का नजारा देखो बिल्कुल यार। तो गाइस आपको दिखाता हूँ यहाँ की सीन। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड द अनदर न्यू एपिसोड। होप यू गाइस यू आर गुड। तो गाइस आज की वीडियो कुछ अलग हटके होने वाली है। आज हम कहीं यूनिक प्लेस में जा रहे हैं, हिडन प्लेस है खटीमा की। खटीमा वाले जानते ही होंगे लेकिन जो बाहर के हैं व्यूअर्स मेरे तो वो नहीं जानते होंगे। तो गाइस आपको दिखाते हैं क्या सीन है, वो कहाँ की सीन है और कैसी हिडन प्लेस है। तो गाइस हाँ एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनके लिए है ये बात। जो मेरी होली वाली वीडियो थी वो यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दी है। गाइस मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं डायरेक्ट अपलोड मत करो यूट्यूब ऐप से, आप डेस्कटॉप साइड में जाके वीडियो अपलोड करो। नहीं तो मेरी तरह इतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे उस वीडियो में, वो यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दी। तो बहुत गंदा लगता है यार जब इतनी मेहनत करते हैं और वीडियो डिलीट हो जाती है। तो गाइस ये गलती मत करना आप सीधे डेस्कटॉप साइड में जाके वीडियो अपलोड करना, नहीं तो मेरी तरह खाली वीडियो आपकी भी डिलीट हो जाएगी। मेरी तो वीडियो डिलीट हो गई है, बहुत गंदा लगता है यार जब इतनी मेहनत के बाद हम वीडियो बनाते हैं और वो डिलीट हो जाती है, और अच्छे खासे जिसमें व्यूज आते हैं वो डिलीट हो जाती है तो और भी गंदा लगता है। और तो गाइस हमारे साथ जा रहे हैं ये दीदी जीजू, बच्चे आ रहे हैं, आस्था प्रिंसी और शिवानी जा रही है और दीदी भी जा रही है आज हमारे साथ, रीना दीदी है। तो गाइस यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, ये देखो पिकनिक का सामान लेके अपना बिल्कुल सेट हो गए हैं। ठीक है बाय बाय। मुझे नहीं ले जा रहे। तो गाइस वीडियो देखते रहें और लास्ट तक देखते रहें गाइस, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो फ्रेंड्स अब हम निकल रहे हैं और सब लोग हम कार में बैठ गए। तो गाइस आपको मिलते हैं सीधे हिडन प्लेस। तो फ्रेंड्स हमने कार पार्क कर दी है, वो रही कार उधर पार्क कर दी हमने, और हम गाइस और जंगल के अंदर जा रहे हैं अभी। अरे मेरे लिए तो रुक जाओ, भाग रहे हैं हम यहाँ से। गाइस पैदल इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि रास्ता नहीं है ना कार के लिए आगे, तो हमें पैदल जाना पड़ रहा है। तो गाइस आपको दिखाते हैं वो, हम जंगल के बीचों बीच हैं अभी और अभी और अंदर जा रहे हैं पैदल जंगल के अंदर। तो गाइस वीडियो देखते रहे। फ्रेंड्स देखो क्या नज़ारा है, पूरा जंगल ही जंगल। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं जंगल के बीचों बीच, और यहाँ का नज़ारा देखो बिल्कुल यार। तो गाइस आपको दिखाता हूँ यहाँ की सीन। देखो गाइस नदी है यहाँ पे, नहाने के लिए भी है, वहाँ पे ज़्यादा पानी है उस साइड, पूरी नदी है ये। हम गाइस और ऊपर जाते लेकिन हमारे साथ लेडीज है ना, तो इस वजह से हम जाएंगे नहीं क्योंकि उनकी हालत इसी में ही ख़राब हो गई आते आते पैदल चलने में, और अगर बड़ी नदी जाते तो फिर इनकी तो और हालत ख़राब होगी, इसीलिए हम यहाँ पे रुक गए। और देखो गाइस घूमने के लिए बहुत आते हैं वो देखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करेंगे और यहाँ पे मस्ती करेंगे, और खाने के लिए भी हम मैगी वगैरह सब लाए हैं और कुरकुरे चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब लाए हैं। तो गाइस अभी हम मैगी बनाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर नहाएंगे, फिर देखते हैं आगे का सीन क्या है। लेकिन यहाँ पे गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, सीन देखो गाइस क्या अमेजिंग व्यू है, पूरा पहाड़ है वहाँ पे, नदी बह रही है, ये झरना है, और ये हमारी मैडम बैठ चुकी हैं, थक गई हैं ना ये बहुत, ये देखो, और दीदी भी थक गई हैं हमारी, तो बैठ जाओ भैया। तो तो फ्रेंड्स हम कुछ मैगी लाए थे, अब ये लोग आग जला रहे हैं, जल ही नहीं रही आग, कब से ट्राई कर रहे हैं ये लोग, जल्दी बनाओ। और वो लोग नहा रहे हैं दीदी आस्था प्रिंसी, हम भैया मैगी बना रहे हैं। चलो यार मैं भी जा रहा हूँ नहाने। तो गाइस जब मैं भी जाता हूँ नहाने। तो गाइस देखो तीन तीन जलपरी आ गई हैं इतने कम पानी में,
वहाँ पे है गाइस ज़्यादा पानी, वहाँ पे जाएंगे अभी। फ्रेंड्स मैं भी नहाने लग गया हूँ, अब थोड़ी देर के बाद हम वहाँ पे जाएंगे गहरे पानी में। और गाइस जैसे कि आपको पता नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को, मेरे पास आईफोन है, तो गाइस आज टेस्ट करेंगे हम वाटरप्रूफ है या नहीं है आईफोन। नदी में कूदूंगा मैं आईफोन लेकर, तो गाइस देखते हैं और बताना अंदर पानी के अंडर वाटर सिनेमेटिक शॉट्स कैसे लगते हैं आपको। तो देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो का क्रेडिट तो इन दोनों को मिलना चाहिए भाई, कितनी मेहनत कर रहे हैं मैगी बनाने में, देख रहे हो। एक घंटे के बाद इनसे आग जल रही है, पता है? पाँच मिनट लगे, जला दिया है बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसी हालत होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आएंगे अब, यहाँ पे गहरा है थोड़ा, और मैं फोन लेकर जंप करूँगा। तो गाइस इस बात पे तो एक लाइक बनता है यार, देखते हैं। तुम्हारे सुनते आबिर खानों का रोते तुम्हीं कितना दुसको तुम्हारा को तुम्हीं दिला 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 थी कोना ओ जिया। तो फ्रेंड जहाँ पे इतना साफ पानी है ना, बिल्कुल नीचे का भी क्लियर दिख जा रहा है, ये देखो गाइस। फ्रेंड्स हम लोगों ने नहा लिया है, अब हम लेंगे सिनेमैटिक शॉट्स और आप बताना मेरे सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लगते हैं आपको। यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि शाम हो रही है और ये जंगल का इलाका है। हाँ तो गाइस इस जगह का मैं नाम बता देता हूँ, मैंने नाम नहीं बताया था, ये जगह कुमिया है, ये इस जगह का नाम। और ये कुमिया से ऊपर एक मंदिर पड़ता है, ब्यांद्रा मंदिर। तो गाइस वहाँ तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो पहाड़ में खड़ी चढ़ाई में है बिल्कुल, तो वहाँ तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि पूरा दिन लगता है वहाँ पे। तो गाइस हम मिलते हैं आपको सीधा जहाँ हमने पार्किंग करी है गाड़ी, वहाँ पे मिलते हैं, चलते हैं अब। तो गाइस हम पहुंच गए अपनी कार की पार्किंग में, यहाँ हमने कार पार्क कर दी थी। और ये मंदिर है गाइस, ये रहा मंदिर। और ये मंदिर गाइस इसीलिए बना रखा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गणेश जी और शिव जी की मूर्तियाँ निकली थी, मतलब पत्थर निकले थे, और वो रही वो वाली जगह। तो गाइस वो रही वो जगह ये यहाँ पे, और ये रहे पत्थर जो निकले थे नदी से। और गाइस ये निकले थे पत्थर जो ये रखे हैं, गणेश जी का पत्थर है ये। तो गाइस मेरे पसीने निकल आए कसम से, ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ बचा बचा के। और देख दिखा दो उधर रास्ता भाई, क्या रोड है यार।
तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए और मम्मी के साथ हम प्रैंक करने वाले हैं, तो देखना गाइस मेरा प्रैंक। मम्मी इधर आओ, अरे इधर आओ, मेरे पास आओ, स्क्रैच लग गया मम्मी सब। प्रैंक फेल हो गया, मम्मी को पता चली गया। स्क्रैच नहीं है वो, तो गाइस कार की हालत देखो भाई, इतनी गंदी हो गई है ना। तो गाइस इसको पहले हम धुलेंगे, फिर उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हमने गाड़ी धुल दी है और मम्मी खाना बना रही है अभी। क्या बना रही है मम्मी? अंडा करी। अंडा करी, तो गाइस अंडा करी बना रही है मम्मी। तो गाइस अब करते हैं व्लॉग की एंडिंग। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ और अपना ख्याल रखना। बाय।